गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। 2 मिनट्स। ओके, सो आई थिंक फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में किसी को कुछ प्रॉब्लम है या फिर सब कुछ क्लियर है? क्लियर था सर। ओके, किसी को कोई डाउट? सर क्लियर तो है सर। सर मैं पूछ रहा था कि एक इंस्ट्रक्शन काम नहीं किया डायरेक्ट वाला। मतलब सर एमओवी सर एमओवी रजिस्टर ए मतलब सर कोई भी एक डेस्टिनेशन रजिस्टर या फिर कोई भी रजिस्टर और सर कोई भी मेमोरी लोकेशन मतलब सर कोई भी मेमोरी लोकेशन से अकुमुलेटर या कोई भी रजिस्टर में जो डाटा डालने के लिए सर हमने लिखा था ना सर एमओवी A,2050H A,2525H सर वो C9085 का इसमें वाला वर्क नहीं कर रहा है लाइन। आप एक बार चेक आपने करके इंस्ट्रक्शन ही गलत लिख दी है। इंस्ट्रक्शन नहीं सर वही लिखा था सर वही लिखा था क्या लिखा आपने? कि सर एक मेमोरी लोकेशन से रजिस्टर पेयर के लिए मैं ट्रांसफर मेमोरी करना लोकेशन से आपको रजिस्टर पर ट्रांसफर लेना है, ठीक है? चलिए हम इंस्ट्रक्शन सेट खोलते हैं आपका। लेट मी ओपन। चलिए, कौन से इंस्ट्रक्शन यूज करी रहमान आपने? सर वेट सेकंड MOVPPVP सर M स्टैंड फॉर मेमोरी ना सर। एम स्टैंड फॉर मेमोरी, HL पेयर। नो सर M पूछ रहे सर आप HL पे नहीं। हाँ, एन जो होता है बेसिकली, एम जो डोनेट करता है मेमोरी, मेमोरी आपका क्या होता है? HL पेयर होता है, रजिस्टर। अच्छा सर सर यही है सर शायद MOVBM BM सर। MOVBM सर ओके, गिव मी सर 4 5 मिनट्स रहमान। आई थिंक 4 फुट सर 46H सर 4'6" जस्ट अ मिनट रहमान, यस सर। 5 मिनट। एक्चुअली HOD इज कॉलिंग मी, ओके सर ओके सर गिव यू मी विल फाइव जस्ट टेक मिनट्स टेक आई द विल कॉल जस्ट टेक कम बैक। यस सर ऑफ कोर्स ओके ओके, हेलो यस हेलो। यस सर ओके ओके, यस जस्ट नोट डाउन वन वन प्रोग्राम नोट कीजिए आप लोग, बिकॉज आई हैव अ मीटिंग। इट विल टेक अराउंड 15 to 20 मिनट्स फॉर मी। तो आप एक प्रोग्राम तब तक कीजिए एंड देन आई विल अगेन ज्वाइन यू। जी सर सो यू हैव टू परफॉर्म द डेसिमल एडिशन ऑफ 2 8-bit numbers रिजल्टिंग इन अ 16-bit number। आपके पास 2 8-bit numbers हैं, डेसिमल एडिशन आपको करना है, और जो फाइनल आउटपुट जो है वो आपका 16-bit का नंबर होगा। प्रॉब्लम क्लियर है सबको? जी सर ट्राई करते हैं सही। बिल्कुल ट्राई कीजिए, कुछ प्रॉब्लम होती है देन हम इसको डिस्कस करते हैं। फाइन रहमान, यस सर ऑफ कोर्स सर चलिए ठीक है। रिमेंबर मैंने डेसिमल एडिशन बोला है, कोशिश कीजिएगा जो अभी आप प्रोग्राम बनाएं वो थोड़ा जनरलाइज्ड वे में बनाइएगा, स्पेसिफिक नंबर मत लीजिएगा।
अगर ले लेंगे कोई बात नहीं, उसको भी हम डिस्कस करते हैं. गिव मी आई थिंक 245 इज ओके. ओके ओके सर, फाइन सर, फाइन ओके, अगेन मीट, वी विल मीट एट 245 सर, ओके सर। ऑनलाइन. एक्चुअली मे बी एचओडी सर विल बी ज्वाइनिंग, सो यू प्लीज स्टे ऑनलाइन. और दैट थिंग किसी ने ट्राई किया? यस सर, कर रहा हूँ सर। पहले तो दोनों डेटा को सर सर को रजिस्टर पेयर में स्टोर करना होगा ना। पहले दोनों डाटा को मेमोरी में लोकेशन में स्टोर करना हो, चलिए वो तो आपकी करी लोगे, बट हम मेन प्रोग्राम की बात कर रहे हैं. मेन प्रोग्राम किसी ने लिखा? फिर पूरा नहीं हुआ सर, थोड़ा चलिए चल रहा। करिए. रहमान के अलावा भी कोई ट्राई कर रहा है या सिर्फ रहमान ही ट्राई कर रहे हैं? यस सर, अभी ट्राई कर ट्राई कर रहे हैं जी. आयुष यस सर, ट्राई कर रहे हैं। ट्राई कर रहे हैं तो इट विल टेक टाइम आई थिंक. चलिए ट्राई कीजिए. 245 पांच मिनट है, देन अगेन वी विल टॉक. सर दूसरे ऑपरेंट को रजिस्टर बी में डालना पड़ेगा ना? प्रोग्राम का तरीका थोड़ी ना होता है, जैसे हमने काफी डिस्कस किया है पहले भी, हम बात कर रहे हैं कि देयर आर लॉट्स ऑफ वेज ऑफ डूइंग वन थिंग. तो अगर आप बी रजिस्टर का यूज करना चाहते हैं एक ऑपरेंट के लिए, आप यूज कर सकते हैं. और मोस्ट प्रोबेबली जब हम ये डिस्कस करेंगे तो रहमान आपके वाला जो क्वेश्चन था ना मेमोरी वाला, वो भी क्लियर हो जाएगा. ओके सर, फराज कामरा इतना लेट कैसे आए आप? रोल नंबर 46. रोल नंबर 46 फराज कामरान. यस सर। बड़ी देर से रेस्पॉन्स करते हैं आप, इतना लेट कैसे हो गए आप? सर आज लेट हो गया था 45 मिनट लेट. सर, मैंने किसी काम में था सर, वो मैंने देख नहीं पाया क्लास का। चलिए ठीक है. फ्लैग वन होगा कि जीरो? ये तो आपने जनरलाइज करना है ना, चेक करिए उस चीज को. मैंने रिजल्ट रिजल्टेंट हमें नहीं पता, वन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. सर, आपने पहले क्लास में बोला था कि सर लिस्ट बना लो सब ऑपरेंड ऑपरेंड का, एक्सप्लेनेशन डेस्टिनेशन एग्जांपल। मैंने वो लिखा है सर, 5-6 पेज में भर के सारे इंस्ट्रक्शंस का लिख दिया।
इतना चलिए सारा फिर उसी वो में से ठीक। देखता रहता है, हाँ लेकिन फिर बिल्कुल ऐसे सब में करना है, छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन है ना, तो समझ में नहीं आता है। कोई बात नहीं। जब आप ये चीज़ प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप प्रैक्टिस करते हो ना तो आपको क्लियर होती रहेगी। जैसे अभी आपने एक प्रोग्राम किया तो आप एक ही प्रोग्राम पे रुक गए होंगे। लास्ट टाइम हमने सिर्फ प्रोग्राम तो नहीं था, वो तो सिर्फ एक इंस्ट्रक्शंस थी, तीन इंस्ट्रक्शंस आपको एग्जीक्यूट करने को बोली थी। दैट इज दैट वॉज नॉट द प्रोग्राम, ये प्रोग्राम है बेसिकली। तो आप प्रोग्राम में प्रैक्टिस में लाओगे तो ये चीज़ें आसान होनी स्टार्ट हो जाएंगी। बुक जो है जरूरी कि जिससे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जा सके। बिल्कुल आप लोगों ने पूछा ही नहीं कौन सी बुक से जो 8-5 पढ़ना है, किसी ने भी, हमें लगा कि इंटरेस्ट ही नहीं होगा पढ़ने में तो हमने बताया नहीं आपको। है सर, है। कौन अच्छा सी बुक पढ़ रहे हैं? अच्छा सर, मैंने सर वेट अ मिनट सर, मैंने क्या क्या इंस्टॉल करा? मैंने दो बुक इंस्टॉल करी है जो सिलेबस में दिया हुआ इंस्टॉल और डाउनलोड? था। ओ सॉरी, हाँ डाउनलोड किया है सर। चलिए बताइए कौन सी बुक डाउनलोड की है। सर ये सब थोड़ा सा तो स्टिक कार्ड है, 6 सेमेस्टर, एनवायरनमेंटल ऑफ कंप्यूटर एल्गोरिथम्स। हेलो सर, एम ऑडिबल? हेलो, यस रहमान प्लीज योर ऑडिबल। हाँ हेलो सर, एम ऑडिबल? यस योर ऑडिबल रहमान। ये सर, वन है सर माइक्रो प्रोसेसर थ्योरी एंड एप्लीकेशन विथ 668, 68000, अंडरस्कोर 68020। ऑथर कौन है? ऑथर सर ओपन करते हैं। एम रफीक उज़मान सर, PhD रफीकुज़ज़मा, प्रोफेसर कैलिफोर्निया स्टेट। हाँ बिल्कुल रफीकुज़ज़मा की एम अच्छी रफीक बुक है। ठीक है उज़मान आपने सर। वो खरीदा है, आपको मिल गया माइक्रो प्रोसेसर थ्योरी एंड एप्लीकेशन इंटेल मोटरोला, यही था ना? ओके दिस इज प्रोसेसर थ्योरी एंड एप्लीकेशन विद रफीकुज़ज़मा। ठीक है अच्छी बुक है, मोटोरोला, प्रैक्टिस नोको भी। सिक्सटी ओके ओके सर। और दूसरी बुक कौन सी की है? सर ये वाला सर ओपन करते हैं इसका। माइक्रो प्रोसेसर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर्स आर्किटेक्चर प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम डिजाइन विथ 8085, 8086, 8051 एंड 8089। ऑथर बताइए। कृष्णकांत, डीन कृष्णकांत, एकेडमिक, जेपी इंस्टीट्यूट। चलिए बिल्कुल ठीक। कृष्णकांत और रफीकुज़ज़मा जो आपने बताई है वो अब हम सेकेंड यूनिट से जब हम यस स्टार्ट करेंगे 8086, तो इट विल बी गुड। आप कृष्णकांत से पढ़िए, रफीकुज़ज़मा से पढ़िए, ठीक बुक है। बट 8085 के लिए आप लोग जो फॉलो अप कीजिए वो करिए गोंकर की बुक, यस सर। गोइंकर की। नाम सुना है कभी गोयनका, गोइंकर? गोयनका, गोयनकर, ओके। ठीक है तो वो अच्छी बुक है और फॉलो करेंगे उसको, इट विल बी गुड ना। स्टैंडर्ड बुक है, हर जगह वही फॉलो होती है यूजली। तो 8085 की काफ़ी अच्छी बुक है, प्लीज़ उस चीज़ को फॉलो कीजिए आप। ओके सर। देर आर अदर बुक्स ऑल्सो लाइक बीराम, तो जो भी आपको अच्छी लगे बुक यू कैन फॉलो दैट थिंग। गोंकर इज देयर, बीराम इज देयर, तो यू कैन फॉलो दैट थिंग। उसमें न्यूमेरिकल्स हैं, सॉरी न्यूमेरिकल्स कह रहा हूँ, प्रोग्राम्स हैं कुछ लास्ट उसमें, तो आप उसको फॉलो करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्लीज एंड वन थिंग मोर ना, स्लाइड्स पे ज्यादा डिपेंडेंट मत रहिएगा। स्लाइड्स इज जस्ट फॉर द रेफरेंस, हम क्लास में सब कुछ कवर नहीं कर सकते, तो प्लीज रेफर बुक्स ऑल्सो। चलिए 248 स्टार्ट किया जाए। यस सर, यस सर। ओके
चलिए, प्रॉब्लम क्या थी हमारी, यू हैव टू परफॉर्म द डेसिमल एडिशन ऑफ अ 2 बिट नंबर्स रिजल्टिंग इन अ 16 बिट नंबर। चलिए बताइए क्या किया जाए। सर 2 बिट नंबर था या 2 8 बिट नंबर था? हाँ 2 8 बिट नंबर, सॉरी। बताएगा या फिर नाम से बुलाया जाए? शमशाद अहमद यस सर, जी, बताइए कैसे किया आपने, क्या किया अब तक? यस सर, समझ नहीं पाया सर। समझ नहीं आ पाए तो फिर पूछा क्यों नहीं आपने? जी शमशाद साहब, पूछा क्यों नहीं आपने? जी सर, पूछा क्यों नहीं अगर नहीं समझ में आया तो? कनेक्टिविटी प्रॉब्लम था, आवाज नहीं सुनाई दे रहा था बराबर। आवाज नहीं सुनाई दे रहा था तो फिर पूछ सकते हैं ना क्लास में, जब हम पूछें तभी आप कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आया, तो इट इज नॉट गुड ना, ये प्रैक्टिस अच्छी तो नहीं है। चलिए अब थोड़ा ध्यान से सुनिए। श्रीधरन, श्रीधरन रोल नंबर सर, 58। हेलो यस सर, शमशाद, प्लीज माइक ऑफ कीजिएगा। यस बताइए श्रीधरन, क्या किया अभी तक? सर पहले तो 2 8 बिट नंबर ले लीजिए, लाइक जीरो चलिए, टू एच और 0 3 एच। मैंने क्वेश्चन में क्या बोला था? दो 8 बिट नंबर को ऐड करके 16 बिट नंबर प्रोग्राम बनाना। चलिए चलिए ठीक है, आपने 2 बिट दो नंबर ले लिए, मैंने डेसिमल एडिशन बोली थी। चलिए कोई बात नहीं, आपने क्या लिया? ध्यान नहीं दिया था उसमें। ध्यान नहीं दिया, ध्यान रहता ही नहीं है बच्चों का आजकल ना, पढ़ाई में सब कुछ में रहता है, बस क्लासरूम में नहीं रहता। जी बताइए, चलिए 2 नंबर ले लिया आपने। श्रीधरन बताइए प्लीज। सर 2 नंबर लेने के बाद दोनों को सर, पहले तो एक को तो सर मूव कर दीजिए सर। चलिए बताइए क्या लिखे हम। MVI MVI A A 02H 02H और सर सेकंड में MVI B MVI B 03H 03H, ओके। देन सर एड एड बी बी, ओके। आगे बस अब समझ नहीं आ रहा सर। समझ में नहीं आया। अच्छा क्वेश्चन क्या था ये बताइए। 2 8 बिट नंबर को ऐड करना था, रिजल्टिंग इन 16 बिट नंबर। ये 02 प्लस 03 क्या 16 बिट नंबर बन जाता है ऐड करने के बाद? जी श्रीधरन, क्या ये 16 बिट नंबर बनता है 02 प्लस 03? पता नहीं सर, पता नहीं, एडिशन कर दीजिए, एडिशन ही तो करना है। 2 बिट नंबर और 16 बिट नंबर, 8 बिट नंबर क्या होता है? जस्ट अ मिनट श्रीधरन। सलाम सर, जी वालेकुम सलाम, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर सेकंड टीचर एंड आई थिंक कासिफ साहब हैज ऑलरेडी एक्सप्लेन। नाउ दिस लैब, ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग, सो आई थिंक कासिफ साहब जस्ट स्टॉप प्रेजेंटेशन, वी विल यस सर, टॉक 5 मिनट्स, देन यू कैन स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन। ओके सो ऑल ऑफ यू प्लीज मेक योर वीडियो ऑन, so you can see me, so I can see you also, so, and I shall give some history of this lab also, okay? ऐसे रहमान, श्रीधरन, all of you, so I think please those they are listening, please make video on just for 5 minutes.
After that, you can switch off your video also. Okay. Good. Very good. All are good students. So I think total class is here. Kasif sir, total class is here. No sir, half of the attendance sir, half of G1 G2 group have done it on the previous day. Okay, okay. So this is G3 and G4. Yes sir. Okay, okay. So I would like to say a few words. You know, when I joined the department in January 1992 as a lecturer, I think I don't know how much old you were in 1992. कितने साल के थे आप लोग 92 में सर वी वर नॉट बोर्न ऑन दैट एनीवे एट दैट टाइम देयर वर नो माइक्रोप्रोसेसर लैब इन द बीटेक कैरिकुलम ओके देयर वर नो माइक्रोप्रोसेसर लैब सो इन 1993 आई रोट द प्रोजेक्ट क्रिएशन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर लेबोरेटरी एंड द डिपार्टमेंट गॉट फंडिंग ऑफ 10 लाख रुपीस फॉर माइक्रोप्रोसेसर लैब So I was the coordinator. So I developed this lab, and from 94, this lab was introduced in the BTech curriculum. So 1994 to onward, now we are all the students of the BTech. They are doing experiment under this lab. Okay. So this is the history of this, and you know since 94 to onward. I always remain in this lab as a first teacher, as now Dr. Kasif is today, and after that so many years, and at that time there were no staff, technical staff. Only I was only teacher, those who have to take it out the instrument from the almirahs, and the student had at that time. And I would like to share the information. I think they are the two teachers of the departments. Maybe they have taught to you. One is Professor Sabana Mehfooz. She also did BTech from Jamia. So I also taught this lab to the Professor Sabana. And other there are two more teachers. Professor Naimul Hassan, who is on the external lead at the Saudi Arab, and other teacher, Dr. Rajveer Singh. So all three, they were classmates. So I have also taught this lab to all three of them. After that, onward. Okay. So in this, we rely practically, you have to do something. But unfortunate, because of the corona, okay, now this lab, is being conducted through the simulation only. So that is the only the part which is not in our hand. Okay. So to Kasif sahab, I have decided last year also, say we can conduct this lab through simulation. So you can download the software, and through the software you can run your program. Okay. So in this this part, it has the 25 marks. Microprocessor lab has 25 marks of one credit. Okay, 25 marks total. And this is divided into 60% and 40%. 60% is the internal assessment. So that 60% of the 25 is the 15 marks. 15 marks. Okay, so what you are doing today, okay, you will perform experiment through the simulation, you will submit the report. All that accumulation mark will be given out of 15. Within 15, I think maybe the 5 marks for the wow voice. At the end of the lab semester, at the end of the semester, I think Kasif sahab, you take internal viva for 5 marks? Yes, sir. Viva is for 5 marks, and the 5 marks is for the practical one. Yeah, and 5 marks for the write-up. Write-up. Okay, so in this way, it constitutes the 15 marks. Okay, now this will be every student, they have to perform a lab, number one, they have to submit the record, everyone. And everyone has to appear in the Y voice, internal Y voice.
if somebody fails, he or she will get failed. This is compulsory without appearing. Okay, in these three, student cannot pass. Okay, now 40% is the university exam. So university exam, 40% of 25 is 10. So in the university exam, we will conduct that the 5 marks for the X marks, 5 marks for the Y marks. Okay, or maybe that depends on the external examiner. The way the examiner will suggest, we will follow generally that practice. But 10 marks for the university exam. Okay, so this is the general view. I think I shall not take much time by introducing myself. You can see me, my profile on the Jamia website. Okay, now currently I have a responsibility of the department. Okay, so for any thing which you feel you would like to share, you can share me. Okay, so now any question from any student, if they want to ask from me. Now, besides this, not academic, you can also ask other question also. I shall happy to reply. Okay, whatever you are feeling in your mind, you can ask the question. Academic means related to your micropersonal layer. Okay, as a head of the department, you can share your problem of the other subject also, no problem. So you are free to ask any question. Otherwise, I'm going to hand over your class to Dr. Kasif Sherwani sir. And he's your first teacher. I'm your second teacher. Okay? So any question? So I think Dr. Kasif, you can continue. Yes, sir. Thank you very much. Thank you, all of you. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Are you there? Yes, sir. Okay, so what we were discussing? Sir, you told me about the question. Right, we were discussing about these two numbers. Aapne do number liye hain, 8 bits ke. But the hamara question tha, we have to find addition of the two 8-bit numbers, decimal addition of the two 8-bit numbers, that will result in the 16-bit number. But you have shown like MVI A02H and MVI B03H, and these two, both the numbers, they are, I think, 8-bit number. Is that so, Shri Nidharan? Yes, sir. Chariye, inka addition kar dete hain, kya aega? Resultant. Simple addition here, I think. Addition make up the problem. Sir, 2 and 5 I have given na. 02 and 03. Achha, let me share the screen. I forgot to share the screen. Just a minute. So 05H. 05H. Ye 05H hamara kitna bit ka number hai? 8 bit or 16 bit? So 8-bit. तो आपका जो भी कुछ करना चाहते थे, जो भी ऑब्जेक्टिव दिया गया था, हाइपोथेसिस दिया गया था, वो तो फुलफिल नहीं हुआ. नहीं हुआ ना. प्रॉब्लम है क्वेश्चन में. चलिए, एनीवन एल्स? समीना फारूक रोल नंबर 71. Samina Farooq, your mic is off. I think she is not interested in the class. Chaliye, absent laga dete hain. Roll number 41. 71. Okay. Raj Kamar. Yes, sir. चलिए एक्सप्लेन करेंगे सर. वो थोड़ा लेट ज्वाइन हुए थे सर, इसलिए क्वेश्चन में तो आते हैं क्वेश्चन भी. चलिए राजीव, क्वेश्चन. चलिए, आपने फिर परफॉर्म तो किया ही नहीं होगा, कुछ लिखा तो होगा ही नहीं सर. क्वेश्चन अभी सुने थे सर, जब रिपीट हुआ. अच्छा, अभी सुने थे. चलिए ठीक है. राजीव कुमार, थोड़ा जल्दी आया कीजिए. राजकुमार, ओके सर. यस सर.
जी बताइए। सर सबसे पहले एचएल पेयर लोड करेंगे, चलिए, यानी ये तो जो क्योंकि श्रीधर ने बताया दो। ये तो गलत ही है ना, हटा दे। यस सर। चलिए बताइए अब क्या करें। सर एचएल पेयर सबसे पहले लोड करेंगे चलिए एचएल पेयर क्या इंस्ट्रक्शन यूज करें? उसमें, फिर सर एलएक्सआई, एलएक्सआई। ओके क्या लिखें एचएल? एलएक्सआई एच, यस सर, एच और एल की जगह मेमोरी लोकेशन एल की जगह मेमोरी कुछ भी लोकेशन दे सकते हैं, लाइक क्या दें, जो भी आपको अच्छी लगती हो बता दीजिए, वही दे देते हैं। 3000। 3000H। चलिए ठीक है, अब क्या करें? अब सर जो पहला हमारा नंबर है वो लेंगे, जिसके लिए हम लोग यूज करेंगे MOV AM। MOV A, M। बिल्कुल ठीक, चलिए ऐसा कर दिया हमने। अब सर दूसरा नंबर के लिए हम लोग HL पेयर को इंक्रीमेंट करेंगे। आपने कल क्लास लगाई थी या कल वाले स्टूडेंट से पूछा था? अजीफ यस सर। सच बताइएगा, कल क्लास लगाई थी या आपने लैब में, या फिर साइलेंट स्पेक्टेटर थे, या फिर कल पढ़ाया गया था उसको आपने मतलब समझा? सर यूट्यूब का हेल्प लिया। अच्छा यूट्यूब का हेल्प लिया, चलिए अच्छी बात है ना, कोशिश कीजिए खुद से करने की। नहीं लेते तो आप यूट्यूब का हेल्प ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, बट ट्राई टू डू योर सेल्फ एनी वे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आइए नेक्स्ट। सर ये MOV AM की जगह मैं LDAX एच यूज करता था। आप क्या करना चाहते हैं रहमान? सर MOV AM की जगह LDAX एच यूज करता था। LD इंस्ट्रक्शन, LDAX, LDAX ये कहना चाह रहे हैं आप? यस सर। ओके तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करती है LDAX? नो सर LDAX। मैंने कुछ और लिखा है क्या? सर आपने LDA लिखा है, एक्स भी तो लिखा है, नहीं लिखा? आई डोंट नो, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, मेरे को अभी क्लियर नहीं हुआ, प्लीज क्लियर करोगे? LDAX सेकंड लाइन में से। सर वो बोल रहा है कि आपने एक्स नहीं लिखा है, LDA लिखा है बस। हमने लिखा है एक्स सर, शायद से फिर वो लैग हो रहा है, दिख नहीं रहा हमें। अच्छा दिख नहीं रहा है, अच्छा हमारी स्क्रीन ही फ्रीज है। स्क्रीन फ्रीज है, अब सही है स्क्रीन? सर आप अभी आपका माउस फ्रीज है। ये सर आप आ गए, अब सही है, अब आ गया। ओके आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम, एक्चुअली मेरा सिस्टम अपडेट हो रहा है तो बिकॉज़ ऑफ दिस थोड़ा स्लो हो रहा है, दैट्स व्हाई आई एम सॉरी अबाउट दैट थिंग। एनीवे सर व्हाट डू यू वांट टू से? एरर एक्चुअली गैप नहीं है सर, वो कमांड है, वो कमांड है। चलिए हम ऐसा कर देते हैं। ओके यानी आप एचएल पेयर को ऑप्शन दिया हुआ था कि इट इनडायरेक्टली लोड्स एट द एक्युमुलेटर है, जो एचएल पेयर का जो डेटा होगा ना सर वो उसको एक्युमुलेटर में डायरेक्ट लोड कर देगा। बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। जैसे हमने पहले क्या कहा था आपसे कि कोई भी आप इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं, मतलब प्रोग्राम करने का एक ही तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं। आपकी क्लास में 74 स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं 74 तरीके से आप प्रोग्राम लिख सकते हैं। देयर इज नॉट अ सिंगल वे ऑफ डूइंग दीज थिंग्स। चलिए लेट मी आस्क समवन एल्स। काशिफ, जुहेर? यस सर। ओके आपने LDAX के बाद एच नहीं लिखा? अच्छा हमने इंस्ट्रक्शन ही गलत लिख दी, चलिए कोई बात नहीं। नहीं सर आपने गलत नहीं लिखा, आपने लिखा नहीं शायद, आप डाउट पूछ। ठीक है काशिफ प्लीज। यस सर। सर अब एच की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे सर। इंक्रीमेंट करेंगे किसकी वैल्यू? एक्स की वैल्यू सर। एच की वैल्यू कर दी। चलिए सर उसके बाद फिर सर एक दूसरे रजिस्टर में। आपने यूट्यूब नहीं देखा? यस सर। यूट्यूब तो नहीं देखा आपने या खुद से किया है? नहीं सर दो तीन बार ट्राई किया तो। चलिए ठीक है हो गया। एनीवे चलिए बताइए आप क्या करें? सर अब मेमोरी लोकेशन से किसी दूसरे रजिस्टर में वैल्यू अब डालेंगे, तो क्योंकि अब इंक्रीमेंट हो चुकी है तो आपको दूसरा रजिस्टर तो MOV BH कर देंगे। चलिए आप कह रहे हो MOV BH, एच नहीं सर सॉरी मेमोरी लोकेशन है तो M होगा। आप कह रहे हैं B, M? सर B, M। B, M। चलिए बहुत अच्छी बात है B, M। अब now what? सर अब ऐड कर देंगे।
चलिए फिर ऐड में क्या लिखे हम? ऐड बी, ऐड बी, ओके नाउ व्हाट सर? अब जहां पे रिजल्ट चाहिए तो इसके लिए फिर से इंक्रीमेंट करेंगे, फिर से इंक्रीमेंट करते हैं। अब क्या करें, क्या लिखें सर? आई एन एक्स एच, आई एन एक्स एच, नाउ व्हाट सर? अब रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा, इंक्रीमेंट। आपने तो इंक्रीमेंट किया है, स्टोर कहाँ किया रिजल्ट? अच्छा एक्यूमुलेटर में सर, तो फिर से एक्यूमुलेटर में स्टोर करेंगे। अरे एक्यूमुलेटर में क्यों करना, किसी ना किसी, हमने आपसे एक चीज बोली थी स्टार्टिंग में कि जो सर मेमोरी लोकेशन में करेंगे सर। हाँ मेमोरी लोकेशन को तो उसका एड्रेस तो देना होगा ना। यस सर, तो एमओवी एमओवी एम कॉमा ए, एम कॉमा ए, तो एचएल पेयर में हुआ ना, एम इज एचएल पेयर। यस सर, तो आपने एचएल पेयर में कर दिया, मेमोरी लोकेशन पे कहाँ गया? शायद क्लियर नहीं हुआ आपको, तो जो हम कहना चाह रहे हैं वो शायद क्लियर नहीं हुआ काशिफ, राइट? नो सर, नहीं क्लियर हुआ। ओके जो हम लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन, दिस सर वो लाइन जो था एमओवी बी कॉमा है, मतलब सर मेन मेमोरी से बोला तो इसलिए हमने लिख दिया, अभी तो हम कुछ कमेंट कर ही नहीं रहे। अभी हम कमेंट नहीं कर रहे कुछ। काशिफ आर यू देयर? यस सर। ओके आप कह रहे हो मूव ए कॉमा एम, अब लेट अस सी हियर, आपके यहाँ पे प्रोग्राम रन किया, जो मेमोरी है क्या इस मेमोरी के अंदर डाटा गया होगा सर? फिर से एक बार वो वाला स्लाइड लगा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं। नो सर, ये एग्जीक्यूशन करने के बाद में आपका डाटा एचएल पेयर में आ जाएगा। यस सर, है ना, बट मेमोरी में तो नहीं गया कहीं स्टोर किसी एड्रेस पे? गया? नहीं गया ना। देन अगेन, यानी कुछ इशू है। इज दैट सो? यस सर, क्या किया जाए? डाउट है ना सर? स्टार्टिंग में जो LDAX H इंस्ट्रक्शन लिखा सर, उसका क्या नीड है यहाँ पे? उसका क्या नीड है, रहमान साहब बताएंगे क्या नीड है? ये सर मैंने सर एक लिखा था कमांड सर, ये क्या बोलते हैं डेटा ट्रांसफर फंक्शन के अंदर LDX ओपी कोड ऑपरेंड रजिस्टर पेयर्स एच एंड एल इनडायरेक्ट, एच एंड एल के ही मतलब बात हो रहा है। एक्सप्लेनेशन इनडायरेक्टली लोड्स एट द एक्यूमुलेटर है, मतलब तो सर वही है ना कि एच एंड एल पेयर के अंदर जो डेटा होगा वो एक्यूमुलेटर में स्टोर कर रहा है। एच एल पेयर के अंदर जो डाटा होगा या फिर जो डाटा का एड्रेस होगा, कंफ्यूज कर देते हैं। Indirectly loads at the accumulator. चलिए बेसिकली काशिफ साहब ये क्या करना चाह रहे हैं, ये कोशिश ये चीज करना चाह रहे हैं कि हमारा फर्स्ट डाटा ले लिया आपने एचएल पेयर के अंदर, एड्रेस ले लिया आपने एचएल पेयर के अंदर, अब जो एड्रेस एचएल पेयर के अंदर पड़ा हुआ है उस एड्रेस पे जो डाटा है वो आप एक्यूमुलेटर में ही लेके जाना चाहते हैं। उन्होंने उसको एक्यूमुलेटर में लिया एचएल पेयर में जो 3000H पड़ा था, ये नेक्स्ट लोकेशन पे गए 3001H पे आए, 3001H पे आने के बाद में जो वहाँ पे डाटा था वो उन्होंने बी एम में बी रजिस्टर पे स्टोर किया, दोनों को ऐड किया, उसके बाद में आपने 3001, 2, 3 पे आए या किसी भी जो भी आपका नंबर आ रहा होगा उस पे आए, इंक्रीमेंट एच किया 3001, 2, 0, 1, 2 पे आएगा, 3002 पे आया और आपने वहां पे जाके एक्यूमुलेटर का डाटा स्टोर कर दिया। इज दैट सो? यही सही है ना, ऐसा ही कुछ करना चाह रहे हैं? यस सर। ओके इस केस में वही जो हम आप चीज पूछना चाह रहे थे, एम के अंदर आपका क्या पड़ा हुआ है सर? जो इंक्रीमेंटेड मतलब सर जो आउटपुट है वो दोनों का एडिशन? नहीं बिल्कुल ठीक, अभी आपका दोनों का एडिशन का जो रिजल्ट है वो एक्यूमुलेटर में पड़ा हुआ है।
इज दैट सो? ये सर वो अब मूव हो करके इसमें एम एम में चला गया, तो एम के अंदर पहले क्या था 3000 H, मतलब सर 3000 नहीं होगा भाई, 3000 यहाँ पे किया एक बार आप, इंक्रीमेंट दो बार इंक्रीमेंट कर चुके हो आप उसको, इसे सॉरी 3002H, 3002H, तो एक्यूमुलेटर का डाटा जब एम में डालोगे तो 3002H तो रिप्लेस होके एक्यूमुलेटर का रिजल्ट आ जाएगा उसके अंदर। जस्ट अ मिनट, आप लोग भी करना चाह रहे थे, हम एमओवी यूज कर लेते हैं एमवीआई डायरेक्ट। एलेक्साई एच 3000H आपने ले लिया, बिल्कुल ठीक लिया। उसके बाद में हमने इसको एच एल पेयर के अंदर डाल दिया, ए कॉमा एम। उसके बाद में इंक्रीमेंट किया, इसकी जरूरत नहीं है, हम प्रोग्राम को जितना छोटा करना चाहे उतना छोटा हम करें तो बेटर है। एड एम, आई थिंक, अब ये बताइए क्या दो नंबर ऐड हो रहे हैं इसमें, क्या किसी को कोई डाउट है इसमें? अभी हमने स्टोर नहीं किया डाटा को, सिर्फ एडिशन देख रहे हैं सर। यस मयंक, कुछ प्रॉब्लम है इस चार लाइनों के प्रोग्राम में अभी तक? अभी हमने डाटा स्टोर नहीं किया है। अभी तो सर सही लग रहा है, दिख रहा है, सही लग रहा है। ओके, कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कोई लाइन क्लियर ना हुई हो, कुछ स्टेप क्लियर ना हुआ हो? सर एड एम स्टेटमेंट से यही मतलब है ना कि जो उसमें डेटा था वो एक्यूमुलेटर में आने वाला है, आने वाला है, मतलब ऐड कंटेंट ऐड होने वाला है। बेसिकली हमने क्या किया, हमने क्या किया, देखो एचएल पेयर के अंदर ना हमने एक एड्रेस स्टोर कर दिया जी सर, जो है 3000H, है ना, जहां पे हमारा जो भी डाटा होगा हमारा। ओके, अब हमने क्या किया, जो भी डाटा था एचएल पेयर, मेमोरी इज द एचएल पेयर। रहमान, जो आपका क्वेश्चन था जो आप स्टार्टिंग में पूछ रहे थे, यस सर, आपने जो जो भी आपका डाटा पड़ा था एचएल पेयर के अंदर वो आपने एक्यूमुलेटर के अंदर मूव कर दिया। यस फाइन, अब हमारा जो फर्स्ट डाटा था, डाटा वन जो था वो हमारा एक्यूमुलेटर में अंदर आ गया, कुछ इशू इसमें? नो सर, कोई इशू नहीं होगा। हमने एचएल पेयर को इंक्रीमेंट कर दिया, एचएल पेयर विल बी एक्ट एज एन पॉइंटर। यहां पर क्या एड्रेस आया, 3001 एच पे जो डाटा पड़ा था, राइट? ओके, यानी हमारे एक डाटा कहाँ पे है, एक्यूमुलेटर पे, हाँ सर, और दूसरा डाटा कहाँ पे है हमारा, एचएल पेयर में। अगर हम एडिशन करें इसको, एक्यूमुलेटर और एचएल पेयर को डायरेक्टली हम लगा ही सकते हैं, इसका मतलब सर इसमें तो वही इशू आ जाएगा कि मान लीजिए दो नंबर एक्सीड हो गए, वो 16 बिट हो रहा ना अल्टीमेटली, अभी हम एक्यूमुलेटर ठहरा 8 बिट, अभी हम उस पे आगे आते हैं, है ना, अभी हम सिर्फ यहीं तक आए थे। चलिए, एक इंस्ट्रक्शन आती है DAA, ये पढ़ी है कभी किसी ने? हाँ सर, अभी ग्रुप में आया था तो मैंने सर्च किया गूगल में उसके बारे में, सर्च किया था। चलिए इसको पढ़िए एक बार, आई विल अगेन मीट यू एट आफ्टर, आई थिंक आपकी लोगों की लैब तो नहीं है दूसरी? यस सर, मैम बुला रहे हैं आप लोगों को? यस सर, 3 बजे से। यस सर, 3 बजे से, 3:18 हो गए भाई साहब। यस सर, उनका मैसेज आया था, वेट कर रहे हैं। अच्छा, वेट कर रहे हैं, तो जब वहां से फ्री हो जाएंगे आप मैसेज ड्रॉप कर देंगे, देन अगेन वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर ओनली। सर 5 बजे फ्री होंगे वहां से, 5 बजे फ्री होंगे तो 5 बजे कर लेते हैं, कोई बात नहीं, इट विल टेक अराउंड आई थिंक 15 to 20 minutes, इज दिस ओके? ओके सर, ओके। चलिए, मतलब बुरे मन से मत बोलिए, वी विल अगेन मीट एट 5:05, जब भी आप लोग फ्री हो जाएंगे जस्ट लेट मी नो। आपके सीआर साहब रोहित आर यू देयर? जी सर, तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा एंड देन आई विल ज्वाइन। ओके ओके सर, वी विल अगेन मीट एट जब भी आप लोग फ्री होंगे। ओके फाइन, ओके सर, ओके सर, आज ही? बिल्कुल आज ही। ओके सर।